नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रधानमंत्री विद्या चैनल पर। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। ये समय है वेबिनार का और आपको पता है कि इस वेबिनार के खास प्रोग्राम में हम लेकर आते हैं डिफरेंट आईसीटी टूल्स और कुछ वेबसाइट्स जिनसे आपके ज्ञान में होती है बहुत बढ़ोतरी। तो आज भी हम लेकर आए हैं ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिशुअल एक वेबसाइट जिससे आप आज सीखने वाले हैं। उसका नाम है गुरुशाला। और इस गुरुशाला से किन किन लोगों को लाभ हो सकता है, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आम आदमी के लिए, जितने भी लोग कंप्यूटर साइंस से संबंधित हैं या और भी क्षेत्र के जो लोग हैं, कैसे इस वेबसाइट का उपयोग करके, इस टूल्स का उपयोग करके अपने आप को, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो सकता है, इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे इस सेशन के अंतर्गत। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर 8800440559। यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक जो मुख्तलिफ मेल आईडी है वेबिनार के मद्देनजर, आप वहां पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। वो क्या है आप लिख लीजिए, training@cit.nic.in। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है, आप इस पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। और पीएम विद्या का जो जो 1 से लेकर 12 तक चैनल है, वहां पर इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी इस प्रोग्राम को आप लाइव देख सकते हैं। तो चलिए, अब समय हो गया है अपने एक्सपर्ट को इन्वाइट करने का। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रदीप नेगी, जो कि नेशनल आईसीटी अवार्ड भी हैं, लेक्चरर हैं इकोनॉमिक्स से, मॉडल गवर्नमेंट इंटर स्कूल भेल हरिद्वार से, जिनका वास्ता है। स्वागत है प्रदीप सर आपका। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, और धर्मेंद्र जी आपका भी नमस्कार करता हूँ आपको भी। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने मूल विषय पर। और हम सभी ये जानना चाहते हैं कि ये गुरुशाला नाम का जो जो एक ऐप है या फिर वेबसाइट है या फिर एक टूल है, कैसे इससे छात्रों को मदद मिल सकती है, क्या क्या कुछ उनके लिए उपयोगी है। लेकिन इससे पहले हम ये जाने कि गुरुशाला क्या एक ये एक वेबसाइट संस्था है, अगर है तो ये किसके द्वारा संचालित होती है, फिर इसके बाद हम आगे की तरफ जाएं। हाँ जी सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। तो गुरुशाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन, जिसके माध्यम से शिक्षकों तथा विद्यार्थी दोनों को लाभ होता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि गुरुशाला का जो उद्देश्य था और इसके संस्थापक कौन। तो गुरुशाला वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित एक निशुल्क वेबसाइट है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों को डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके ज्ञान को और कौशल को सुदृढ़ करने की क्षमता का विकास करना है, जिससे कि वे शैक्षिक प्रक्रियाओं को समृद्ध बना सके। तो आपका जो प्रश्न था, मैंने उसका उत्तर दिया कि वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन द्वारा ये वेबसाइट का निर्माण किया है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। कोई भी छात्र, कोई भी शिक्षक इसको एक्सेस कर सकता है। क्या बात है, निःशुल्क है तो आजकल तो निःशुल्क अगर है तो उसका भी उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है पैसा देने के बावजूद भी। तो यस, अगर निःशुल्क है तो जरूर जितने भी छात्र हैं उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आप उठाएं। चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मिस्टर नेगी, और भी क्या कुछ खास बातें हैं इस गुरुशाला वेबसाइट की, हम समझ लेते आगे बताता हूँ। इस वेबसाइट की कुछ बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, तो पहले इसके उद्देश्य को हम देख लेते हैं। तो जिज्ञासा गुरुशाला का ही एक पार्ट है, जिसमें शिक्षकों को गुरुशाला पोर्टल से संबद्ध किया जाता है। जिज्ञासा प्रोजेक्ट के अंतर्गत शिक्षकों और विद्यार्थियों को सभी विषय की डिजिटल शैक्षणिक सामग्री भी विभिन्न प्रकार के माध्यमों में उपलब्ध कराई जाती है। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के सभी कक्षाओं और विषयों पर हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। गुरुशाला द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन वेबिनार, प्रश्नोत्तरी, कार्यशाला आदि का आयोजन करता रहता है, जिसमें विभिन्न राज्यों से शिक्षक प्रतिभाग करते हैं और अपने विचार रखते हैं। कहने का मतलब है कि गुरुशाला जिज्ञासा एक प्रोजेक्ट भी चलाता है साथ साथ, जिसमें उनके मेंटर्स और उनके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं क्षेत्र के, वो लोग भी टीचर के साथ संपर्क में रहते हैं। और 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक हिंदी और अंग्रेजी, बल्कि अब और भाषाओं में भी इसमें टीचर्स अपने वीडियो अपलोड कर लेती हैं। वीडियो ही नहीं, बल्कि इसमें कई प्रकार के ई कंटेंट भी अपलोड किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी इसमें है कि इस पोर्टल में समय समय पर ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए जाते हैं, प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, कार्यशाला आयोजित की जाती है, जिससे शिक्षक
अपने को लेटेस्ट आईसीटी टूल से अपडेट कर सकें। इस वेबसाइट का एक और उद्देश्य था वोडाफोन फाउंडेशन का कि शिक्षकों को और विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ साथ उनको स्कॉलरशिप भी दी जाए, छात्रवृत्ति भी दी जाए। तो इसके लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 200 शिक्षकों को 1 लाख की धनराशि और जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं कम से कम 2,500 विद्यार्थी उनको 20,000 की इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। टीचर्स को स्कॉलरशिप इस कारण दी जाती है कि टीचर्स अपने जो शैक्षणिक का जो प्रक्रिया है उसको रुचिपूर्ण बनाने के लिए बेहतर उपकरण जैसे लैपटॉप, प्रोजेक्टर, टीएलएम आदि को खरीद सकते हैं ताकि उनकी क्लासरूम टीचिंग इंटरेस्टिंग बन सके। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चित्र है जो यहाँ पे डाला हुआ है। इस साल वोडाफोन फाउंडेशन ने 2020-21 में आपने देखा कि 200 टीचर्स और 2,500 बच्चों को 7 करोड़ की स्कॉलरशिप देगी। तो इसके लिए उन्होंने जो आवेदन मांगे थे 2 महीने पहले तो काफी टीचर्स ने अप्लाई किया हुआ है। पिछले साल हमारे स्कूल के बच्चे को भी स्कॉलरशिप मिली थी और मुझे भी 1 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी जिससे मैंने लैपटॉप लिया और कुछ शैक्षण सामग्री खरीदी। तो अन्य अध्यापक भी प्रेरित होकर इस वेबसाइट में ई कंटेंट बनाते हैं और बच्चों के लिए तरह तरह की योजनाओं में प्रतिभाग करते हैं और कोर्स भी इसमें ज्वाइन करते हैं ताकि उनका अपडेट हो, उनका नॉलेज अपडेट हो, उनके स्किल डेवलप हो सके। इस वेबसाइट की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो इस प्रकार है कि पब्लिश योर ई कंटेंट। सबसे पहले जो इसकी विशेषता है कि हम अपना कोई भी कंटेंट इसमें पब्लिश करवा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से कोई भी वीडियो या कोई भी फाइल अगर हम अपलोड करेंगे तो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में ये अपलोड होती है। उसके लिए उनकी एक कमेटी, रिव्यू कमेटी है, उनकी एक टीम है, जिज्ञासा टीम, वो कंटेंट को रिव्यू करती है। अगर आपका कंटेंट पब्लिश हो जाता है तो आपको मैसेज भी आता है। इसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड वेबिनार एंड वर्कशॉप। समय समय में जो ये वेबसाइट है इसमें वेबिनार भी आयोजित किए जाते हैं और वर्कशॉप भी आयोजित किए जाते हैं जिसमें शिक्षक प्रतिभाग कर सकते हैं और अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, अपने स्किल को और बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन सपोर्ट फ्रॉम टीचर कम्युनिटी, इसमें कई भारत के कई राज्यों से कई सारे अध्यापक, लगभग कम से कम 1 लाख से ऊपर होंगे शायद, इतने अध्यापक इसमें ज्वाइन कर रखा और अलग अलग स्टेट के अध्यापकों ने ज्वाइन करा है, ग्रुप बना के ज्वाइन करा है, साइंस के ग्रुप, आर्ट्स का ग्रुप, उनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने जो वीडियोस हैं उनको शेयर कर सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं। तो इससे हमें एक सपोर्ट मिलता है, हम उनसे अपने विचार भी उनके सामने रख सकते हैं। क्रिएट ऑनलाइन मॉड्यूल टीचर्स ट्रेनिंग एंड कैप्सूल, जो मैंने बताया था कि इसमें ऑनलाइन मॉड्यूल बनाना भी सिखाया जाता है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस साथ ही साथ करने का मौका मिलता है। 2 से 3 घंटे की भी वेबिनार होती है जिसमें आप अपना लैपटॉप लेके साथ ही साथ उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे किसी भी मॉड्यूल को बनाने की। टीचर्स ट्रेनिंग भी होती है और कैप्सूल भी इसमें बनाए जाते हैं शिक्षा से संबंधित। कंटेंट लाइब्रेरी में ऑल सब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 12 क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फिलहाल उपलब्ध है। 1 से लेकर 12वीं कक्षा में प्रत्येक विषय के ई कंटेंट इसमें उपलब्ध है। रिसोर्स, रिसोर्स इसमें क्या क्या है, वीडियो, पीडीएफ फाइल्स हैं, वर्कशीट है, इंफोग्राफिक्स है, लेसन प्लान भी इसमें हम अपलोड कर सकते हैं और नोट्स अपलोड कर सकते हैं। इसमें समय समय पर कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं बच्चों के लिए, क्विज किया जाता है और कोडिंग भी बच्चों को सिखाई जाती है। तो बच्चे भी इसमें इनरोल होके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पर समय उसमें डिसाइड किया जाता है और जो बच्चे का जो पुरस्कार जो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं या जो समय से पहले कर लेते हैं तो उनको पुरस्कार भी इसमें दिए जाते हैं। गुरुशाला रिवॉर्ड्स जो टीचर्स को प्राप्त होते हैं जितने वो ई कंटेंट इसमें अपलोड करेंगे, जितने उनके ई कंटेंट पब्लिश होंगे, वेबिनार पब्लिश होंगे, इसके साथ साथ कई और एक्टिविटी में जितने अध्यापक इसमें भाग लेंगे उतना ज़्यादा उनको रिवॉर्ड्स प्राप्त होते हैं और इन रिवॉर्ड्स के आधार पे वो कोई भी शिक्षण
सामग्री इस वेबसाइट के माध्यम से निःशुल्क खरीद सकते हैं, निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस प्रकार के इसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। टीचर्स वॉइस के अंतर्गत हम टीचर से संपर्क कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर हम बोल सकते हैं और टीचर्स कम्युनिटी में जाकर अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं कि आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। कनेक्टेड बाय गुरुशाला मोबाइल ऐप्स, यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप। तो मोबाइल ऐप्स, गुरुशाला का मोबाइल ऐप्स भी है जो मोबाइल के थ्रू भी आप उससे कनेक्ट रहते हो हमेशा। इनका यूट्यूब चैनल है जिसमें आप उनके जो भी वेबिनार होते हैं या जो भी कैप्सूल बनाए जाते हैं उनकी सारी वीडियोस उपलब्ध होती हैं, अब चाहे उनको देख सकते हो दोबारा तिबारा। और व्हाट्सएप ग्रुप है जो पर्सनली टीचर्स उनके साथ संपर्क में रहते हैं, अगर कोई उनको टूल समझ में नहीं आता है या किसी विषय में जानकारी ठीक से प्राप्त नहीं होती, दोबारा उनके एक्सपर्ट से जाकर हम जानकारी ले सकते हैं। तो ये जैसे मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन पे, ये गुरुशाला का यूट्यूब चैनल भी है साथ में, जिसमें आप देख रहे हैं गुरुशाला कैप्सूल कैसे कैसे बनाया गया है, या किसी जो वर्कशॉप हुई उसकी रिकॉर्डिंग भी इसमें उपलब्ध रहती है। इसके साथ साथ ऑनलाइन सपोर्ट बाय व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें टीचर पर्सनली नहीं उनके साथ जुड़ा रहता है और उनसे किसी भी समस्या पे अपना समाधान प्राप्त कर सकता है, और इसी के माध्यम से टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग आदि की जानकारी भी मिलती रहती है, ऑनलाइन वेबिनार की जानकारी मिलती है, और साथ में बहुत सारी प्रतियोगिताओं में जो टीचर्स भी भाग ले सकते हैं, बच्चे भी भाग ले सकते हैं, उन सब की जानकारी इससे मिलती रहती है। ये मैंने बताया था मोबाइल ऐप है और ये गुरुशाला यहाँ पे दिया हुआ है, प्ले स्टोर से आप गुरुशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस प्रकार दिखाई देगा जिसमें आप ई कंटेंट को भी आसानी से प्ले कर सकते हैं और बच्चे भी इससे जुड़कर आसानी से अपने विषय से संबंधित ई कंटेंट देख सकते हैं। तो अब हम इसको डायरेक्ट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में चलते हैं और इस वेबसाइट के बारे में डिटेल में हम जानते हैं कि इस वेबसाइट में और क्या क्या हो सकता है। अच्छा प्रदीप सर, इससे पहले कि हम लाइव डेमो की तरफ जाएं, एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं कि जैसे कि आपने हमें वेबसाइट के बारे में बताया, काफी सारी इसकी विशेषताएं भी रही, आपको इनाम भी मिल सकता है, यस आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, आप काफी कुछ सीखेंगे भी, फिर भी जैसे कि मान लीजिए इस वेबसाइट में आखिर किस प्रकार से जो ई कॉन्टेंट है उसका निर्माण किया जाता है, एक बार थोड़ा सा समझ ले फिर हम लाइव डेमो में भी देखेंगे। हाँ, जैसे आपने बताया कि जैसे आपने कोई वीडियो बनाया या आपने कोई नोट्स बनाए, तो वो आप बना के उसको अपलोड करेंगे, वो मैं इसमें डेमो करके दिखाऊंगा कैसे अपलोड कहाँ पे किया जाता है, और उसके बाद जब आपका वो अपलोड हो जाएगा उसके बाद जो गुरुशाला की टीम होती है वो उस कंटेंट को रिव्यू करती है। ओके ओके। और उस कंटेंट को जब वो रिव्यू करती है तो उसके बाद आपको पास एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मैसेज भी आता है जहां पर आपने अपने को लॉगिन किया है कि आपका कंटेंट रिव्यू हो गया। और जब कंटेंट रिव्यू होता है तो हमें उसका रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलते हैं, चाहे वो 1 महीने बाद मिले या 2 महीने बाद मिले, वो जब भी अपग्रेड करेंगे उसको तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं, और समय समय पर वो लोग जिन लोगों का ई कंटेंट रिव्यू नहीं हो पाता है तो उनकी हर फ्राइडे को ऑनलाइन कंटेंट रिव्यू की वर्कशॉप होती है। तो हम उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं उनके साथ डायरेक्ट कि हमारा कंटेंट क्यों नहीं अपलोड हुआ, हमारे कंटेंट में क्या कमी थी। तो एक एक चीज कर वहाँ पे कंटेंट को वो प्ले करते हैं और वहाँ पे जो कमियां होती हैं उसको तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं वहाँ पे कि आपकी यहाँ पे साउंड कम थी, यहाँ पे आप कि कंटेंट ठीक से नहीं आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया, कई सारी जो टेक्निकल दिक्कत आती है या मोबाइल के द्वारा बहुत लोग बनाते हैं तो वो जितनी भी कमियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद फिर हम दोबारा से उस कंटेंट को अपना सही बना के दोबारा भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑनलाइन इनका वेबिनार हर फ्राइडे को होता है जिसमें हमें पता लग जाता है कि हमारी कमियां कहाँ। मैं तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि क्यों नहीं अपलोड हुआ, क्या कमियां है। तो यहाँ इसलिए फिर मुझे जी
इसलिए हम यहाँ फेस टू फेस डायरेक्ट अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत उनसे पूछ लेते हैं कि भाई क्या बात है। आई थिंक अब मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक उनको समझ में आ गए होंगे कि इस वेबसाइट का नाम गुरुशाला आखिर क्यों है। आप जुड़ भी रहे हैं, कमोबेश जो कमियां हैं वो भी निकल रही हैं, आप लगातार कंटेंट को अच्छा भी करते चले जा रहे हैं, लगातार क्लासेस कर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर नेगी, अब हम आई थिंक जो आपने हमें बताया उसको हम एक बार डेमो में भी समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लाइव डेमोस्ट्रेशन में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे गूगल क्रोम में आप यहाँ पे गुरुशाला यहाँ पे आप लिखेंगे तो आप देखें ये बड़ा दिख रहा है यहाँ पे गुरुशाला, तो आप यहाँ पे देखें गुरुशाला को, तो इनका एड्रेस है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वेबसाइट यहाँ पे दिखाई देगी और मैं पहले से लॉग इन हो रखा हूँ, तो लॉग आउट अगर मैं इसमें करूंगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये दोबारा अगर मेरे को लॉग इन करना हो तो या साइन अप और साइन इन में, अगर आपने पहली बार इसमें अपना अकाउंट बनाओगे तो साइन अप आएगा, और आप ऑलरेडी पहले से इसमें ज्वाइन हो तो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा। जैसे मैं साइन इन में क्लिक करूंगा और ये आप गूगल जिससे भी आप ज्वाइन करना चाहो, फेसबुक से या गूगल से, अगर आपने आपका लैपटॉप में कंप्यूटर में गूगल अकाउंट बनाया या मोबाइल में, तो आप गूगल को सेलेक्ट करिए और लॉग इन कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा नाम आ गया, प्रदीप नेगी, तो मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ से जुड़ गया हूँ। तो इसमें मेरा प्रोफाइल है, सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल अपलोड करना होगा इसमें। तो प्रोफाइल अपलोड करते ही आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे 12,852 पॉइंट्स आ रखे हैं और मेरी पूरी डिटेल है इसमें, मैंने कौन कौन सी एक्टिविटी, कितनी कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है, कौन से मैंने कोर्स किए हैं, कौन से क्वेश्चन, कितने बार क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार ये सारा मेरा बायोडाटा इसमें मैंने अपलोड किया हुआ है। आप लोग भी कर सकते हैं, यहाँ से मैं एडिट भी कर सकता हूँ, जब चाहे इसको एडिट मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसको इंग्लिश और हिंदी में भी आप चेंज कर सकते हैं। माई रिपोजिटरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कोर्स मॉड्यूल सर्टिफिकेट है सब दिया हुआ है कि मैंने अब तक क्या क्या किया है, वो सब मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। और सबसे पहले अब हम गुरुशाला पे चलते हैं होम पेज पे। इसके जैसे आप होम पेज को क्लिक करेंगे आप, तो इसकी वेबसाइट का जो पहला इंटरफेस है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं इंटरफेस में इस साइड में लेसन प्लान दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखा दूं आपको, ये लेसन प्लान दिख रहा है, टीचर कम्युनिटी दिख रही है, लीडर बोर्ड, गुरुशाला रिवॉर्ड, क्विज फॉर स्टूडेंट्स और पब्लिश योर कंटेंट, ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, ये बार बार यहाँ से हमें नई नई चीजें जो एक्टिविटी होने वाली होती हैं उसकी यहाँ पे जानकारी फ्लैश होती रहती है, बार बार जानकारी आप देख रहे हैं। वॉलंटियर टीचर, आजकल जो COVID-19 के कारण देश में बड़ी दिक्कत हो रही है ऑनलाइन क्लास की, तो इसमें आप टीचर्स वॉलंटियर भी बन सकते हैं, जिसमें मैंने भी ज्वाइन कराया। आप स्वेच्छा से निःशुल्क जब चाहे टीचर को शिक्षा दे सकते, बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं किसी भी विषय पे। इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, किसी भी कंपटीशन में आदि में आप भाग ले सकते हैं, फ्लैश होती रहती है जानकारी। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं कोर्स मॉड्यूल में कि किस प्रकार के कोर्स इसमें हैं। तो जैसे हम कोर्स मॉड्यूल को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कई प्रकार के कोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेकिंग स्टूडेंट गोल ओरिएंटेड है, रोल ऑफ पेरेंट्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस ऑफ द क्लास चिल्ड्रंस, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो कोर्स आएगा यहाँ पे, मैंने ज्वाइन कर रखा है कोर्स, आप भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, और कोर्स के बारे में पूरी जानकारी होगी और उसके बाद आप इनके क्वेश्चनरीज और जितने भी इनकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे तब जाके आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो ये कोर्स था कि किस प्रकार इसमें टीचर्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ से फिल्टर भी लगा हुआ है, फिल्टर से आप किस प्रकार का कोर्स चूज
में ज्वाइन करना चाहते हैं, लेस देन 1 आवर वाला हो, 1 से 2 आवर हो, मोर देन 2 आवर्स हो, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं बहुत सारे। इसके बाद है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंटेंट लाइब्रेरी। जो कंटेंट लाइब्रेरी है ये यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें कई प्रकार के वीडियोस यहाँ पे डाले हुए हैं। लेसन प्लान सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं, फिल्टर है यहाँ पे, तो इसको मैं अभी डिटेल में आपको दिखाऊंगा, फिलहाल मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। कंटेंट लाइब्रेरी क्लासेस दी हुई है, जितनी आप क्लास देख रहे हो, फर्स्ट क्लास का कंटेंट हो या 10th क्लास का हो, मोस्ट 11th का और 12th का हो, फिर उसके बाद आप और नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंटेंट किस प्रकार का देखना है। एनिमेटेड वीडियो चाहिए, असेसमेंट चाहिए, केस स्टडी चाहिए, क्विज चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। लैंग्वेजेस दे रखी हैं इसमें, आसामी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, बहुत सारी हैं। ड्यूरेशन भी दिया है वीडियो का, कितने मिनट्स का वाला वीडियो आपको देखना है, डॉक्यूमेंट देखना है, वीडियो देखना है, ठीक है। तो काफी चीजें हैं इसमें देखने के लिए। मैं एक छोटा सा जैसे एक डेमो करके एक वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पे, बायोलॉजी का है, 5 मिनट का। तो ये वीडियो कुछ वीडियो गुरुशाला की टीम किसी पार्टनर जो उनके एजुकेशन पार्टनर्स होते हैं उनके तहत इनका निर्माण भी करती है, और कुछ वीडियोस टीचर्स शेयर करते हैं तो उनके वीडियोस भी इसमें होते हैं, जैसे ये एनिमेशन वाले वीडियोस बना रखते हैं Let's बहुत ही speak. अच्छे। This is cornea. The cornea is the transparent bulb. This is aqueous humor. It is a thin, watery fluid lies between the iris and the inner surface of the. तो इसमें मैंने आपको दिखाया कि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो हैं, और आप उन वीडियो को देख सकते हैं, बच्चों को शेयर भी कर सकते हैं, और बच्चे भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आता है ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड वेबिनार, जिसमें ये ट्रेनिंग है, ऑनलाइन वेबिनार है, 15 तारीख को होगी आज, ऐसे ही ये 14 मई, ये 15 तारीख को होगी, 14 मई को होगी, ऐसे ये 20 मई को होगी। ये होगा कैप्सूल का निर्माण होगा इसमें, एक्सप्लोरिंग कंटेंट क्रिएशन एंड स्किल। तो ऐसी कई प्रकार की इसमें कैप्सूल निर्माण होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उनके साथ, और अच्छी अच्छी चीजें बनाना सीख सकते हो, और उनसे लाइव डेमोस्ट्रेशन में क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हो अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है। तो इस प्रकार के वेबिनार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इससे हम अपना स्किल डेवलप कर लेते हैं। इसके बाद है स्टाफ रूम, जिसमें टीचर डिस्कशन करते हैं दूसरे टीचर्स के साथ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ऐसी मैंने भी कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं। डिस्कशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे टीचर्स आपका जवाब देते हैं, कमेंट्स आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा था नई शिक्षा नीति क्या हमारे पुराने शिक्षा तंत्र को बदलने में सक्षम है, और क्या हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, अपने विचार साझा कीजिए। आज ही मैंने ये कमेंट डाला है, तो अभी इसका उत्तर मेरे को अभी मिला नहीं है, लेकिन इसको एक जना देख चुका, व्यू देख चुका। तो इसी प्रकार और टीचर्स भी अपने कमेंट्स इसमें डाल सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, जैसे आजकल नई शिक्षा नीति पर और जो कोरोना के कारण स्कूलों प्रभावित हो रहे उससे संबंधित कई सारे हम विचार इसमें साझा कर सकते हैं। इसके बाद है कंपटीशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं बहुत अच्छे, इसमें गेम्स हैं बच्चों के लिए, साइंस से रिलेटिव है ये इसमें, और इनकी डेडलाइन भी होती है कि 15 मई तक आप इसको खेल सकते हो, इसमें पुरस्कार जीत सकते हो। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल फॉर्म में ये आ रहा है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर, तो
तो यहाँ पर आप अपना आंसर राज्य भरे और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये क्वेश्चन है, हु डेवलप द लॉज ऑफ मोशन। इस प्रकार कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको सबमिट करिए और इनका टाइम पीरियड होता है कि कम से कम समय पे आपको ये सॉल्व करने होंगे और सबमिट करने होंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे इसमें क्विज वाले गेम्स भी होते हैं बच्चों के लिए, जैसे ये दे रखा टेस्ट योर ग्रामर, टेस्ट योर हिस्टोरिकल नॉलेज, जिनकी डेडलाइन हो चुकी है। तो अभी हम देखेंगे कुछ नए गेम्स और आए होंगे, अभी देखेंगे उसको चेक करेंगे। इसके बाद एक्सप्रेस योर सेल्फ, इसमें हम अपने रिटर्न आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं, अपनी स्टोरी भी पब्लिश कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, ये गुरुशाला का ब्लॉग है, ये गुरुशाला का ब्लॉग ओपन हो जाता है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने राइटअप लिखा है, ऐसी आप बहुतों के यहाँ पे देख सकते हो राइटअप, यहाँ पे जाके रीड मोर में जाकर इनके बारे में जिसने जो जो लिखा है। जैसे स्टोरी एंड एनालिसिस में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टोरी राइट स्टार्ट राइटिंग, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये उनका इंटरफेस खुल जाएगा राइटिंग वाला, जिसपे आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये फिर कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं, और ये आपका आर्टिकल यहाँ से आप बाद में पब्लिश करने के लिए देंगे, जो कुछ दिनों के बाद रिव्यू होगा। उनकी टीम इसको रिव्यू करेगी कि पब्लिश करने लायक है कि नहीं आर्टिकल। पब्लिश होने के बाद वो आपको दिखाई देगा और आपको उसका मैसेज ईमेल पर और उनकी जो आपने लॉगिन अपनी आईडी बनाया है उस पर नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। जैसे दिख रहा है नोटिफिकेशन, उसको जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये 99+ है, तो यहाँ पे सब कुछ आता रहेगा मेरे पास नोटिफिकेशन कि इस समय कौन कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं, गुरुशाला क्या क्या करने वाला है आने वाले समय पे। तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आएंगे, अगर आपका ई कंटेंट भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आएगा। तो मैंने बताया कि कैसे हम इसमें लिख सकते हैं ब्लॉग में और वो पब्लिश करने के लिए भेज सकते हैं। यहाँ पे वॉइस ऑफ टीचर दे रखा है, टीचर की आवाज। तो इसमें और रीड मोर स्टोरी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें और टीचर्स की स्टोरी के बारे में भी पता चलेगा, टीचर स्टोरी। हम लोग भी अपनी स्टोरी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, देख यहाँ पे सभी टीचर्स की स्टोरी है, जिन लोगों ने कुछ उल्लेखनीय कार्य किया हो स्कूल स्तर पर उन सबकी स्टोरी है यहाँ पर। जैसे मेरी स्टोरी भी यहाँ पे पब्लिश हुई है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये स्टोरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यू रिसोर्स में जाएंगे हम, अच्छा नेगी सर, ये प्रकाशन को लेके, पब्लिश को लेके एक प्रश्न भी आया है, तो वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस हाँ ये वेबसाइट से के माध्यम से किस प्रकार से जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो अपनी सामग्री को अपलोड कर सकते हैं या प्रकाशित कर सकते हैं। आई थिंक ये डेमो उसी के लिए दिखाया जा रहा है, आई बिलीव। हाँ ये डेमो उसी के लिए है। तो मैंने बताया था अभी जो ई कंटेंट आप डेवलप करते हैं वो कैसे, अभी उसको किस तरह आप इसमें अपलोड करेंगे वो अभी मैं बता दूंगा उसके बारे में। जी, और जो आर्टिकल पब्लिश किया जाता है वो तो मैंने अभी दिखाया था ब्लॉग के माध्यम से। जैसे अभी दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, टीचर अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर। तो अभी मैं दिखा देता हूँ दोबारा कि अगर जिन लोगों को यहाँ पर ये है एक्सप्रेस योर सेल्फ राइट आर्टिकल पब्लिश, यहाँ पे लिखा हुआ पब्लिश योर स्टोरी एंड रीड थीसिस। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद ये इनका ब्लॉग खुल जाएगा, ये ब्लॉग खुल जाएगा। यहाँ पे आप स्टोरी एंड एनालिसिस में जाके क्लिक करेंगे तो ये अभी ऑप्शन खुलेगा स्टार्ट राइटिंग। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे कि ये एक इंटरफेस खुल गया है, राइटिंग ब्लॉग, ये यहाँ पे आ रहा है राइटिंग ब्लॉग, ब्लॉग इनटू गुरुशाला, और यहाँ पे आ रहा है राइटिंग ब्लॉग। तो इस ब्लॉग के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद जो इनका एडिटर है, ये एडिटर है ब्लॉग एडिटर, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर्मेटिंग टूल्स भी दिए हुए हैं सारे, और फोटो भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, लिंक भी दे सकते हैं उसमें। उसके बाद आप यहाँ पे रिव्यू करके एक बार अपना देख लें, ड्राफ्ट को भी सेव करके रख सकते हो, और बाद में पब्लिश को क्लिक कर दें। जब आपको लगे मेरा पूरा सही हो गया, ओके हो गया, आप पब्लिश को क्लिक करेंगे, उसके बाद ये यहाँ से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो गुरुशाला की टीम है उसके पास ये पहुंच जाएगा, वो उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये था रिव्यू करने का इसका तरीका। इसके बाद मैं अभी और चीजें दिखाता हूँ आपको। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो आप मेरे से पूछ रहे थे, ये पब्लिश योर कंटेंट, जी, ये यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिश योर कंटेंट। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कंटेंट लाइब्रेरी, ये कंटेंट लाइब्रेरी है। यहाँ पर आप वर्कशीट, कंटेंट, वीडियोस, इंफोग्राफिक्स, पीडीएफ फाइल, कई सारे नोट्स होते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, लेसन प्लान भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइटल, सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पे टाइटल देना है कोई भी, जैसे मैंने बना दिया, मैं लिख देता हूँ जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैं लिख देता हूँ जैसे माइक्रो। अब मेरा ये वीडियो कितने मिनट का, क्योंकि वीडियो में बना के रखा हुआ है मैंने, उसे मेरे को केवल अपलोड करना है। यहाँ पे बनेगा नहीं वीडियो, वीडियो आप कहीं भी बनाइए, कहीं भी नोट्स बनाइए, यहाँ तो आप उसको अपलोड करेंगे केवल वेबसाइट। अब आवर्स, अगर ये मिनट का है तो हम यहाँ पे आवर्स है तो हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, और मिनट्स है तो हम यहाँ पे 30 लिखेंगे, 30 हमने लिख दिया। किस क्लास के लिए आप ये वीडियो बना रहे हैं वो आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्लास 10 के लिए किया तो 10 भी कर सकता हूँ, मैं 9 भी कर सकता हूँ, अगर सोशल साइंस है तो 9th में भी पढ़ाया जाता है, 10th में भी पढ़ाया जाता है, क्या पता वो चैप्टर दोनों क्लास में यूज आए। जैसे वेलकोनोस के बारे में हम पढ़ाएं तो दोनों में ही आ सकता है, तो 2 को मैंने चुन लिया, 3 को भी चुन सकते हैं। इसके बाद आप कॉन्सेप्ट कवर्ड, आप इस वीडियो में आप कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं, मतलब क्या उसका आपका बच्चे को कॉन्सेप्ट है उस वीडियो में, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप किस सब्जेक्ट का आपने वीडियो बनाया, वो जैसे मैंने बनाया इकोनॉमिक्स का, तो मैं इकोनॉमिक्स क्लिक करूंगा यहाँ पे। अब इसमें लैंग्वेज पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज में आपने वीडियो बनाया, तो इतनी सारी लैंग्वेज में आजकल इस वेबसाइट में उपलब्ध है वीडियोस, तो मैं हिंदी कर लेता हूँ, तो मैंने हिंदी क्लिक करा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी भी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। कंसेप्ट में लिख देते हैं इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी लिख देते हैं इसमें, जैसे ये मैंने जैसे लिख दिया। यहां पर थंबल नेल इमेज को भी आप अपलोड कर सकते हैं, वीडियो के फ्रंट में आपकी कौन सी इमेज चाहिए, जैसे यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब में आप वहां पे भी इस तरह मांगा जाता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इमेज हो वीडियो का वो शानदार हो, आकर्षक हो, जिससे बच्चे देखें कि भाई हाँ ये वीडियो मेरे को देखना बहुत ही अच्छा है, तो उसकी एक इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, वीडियो के स्टार्टिंग में अपने आप उसमें अपलोड हो जाएगी, तो एक इमेज हम यहाँ पे डाल सकते हैं उसमें। अब यहाँ पे लिख रहे हैं हाउ वुड यू वांट टू सबमिट योर कंटेंट रिसोर्स, आप अपना कंटेंट रिसोर्स किस प्रकार इसमें डालना चाहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आपने ऑनलाइन क्लिक किया तो ये आप यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा कि आप वीडियो कहाँ से इसमें अपलोड करना चाहते हैं। अगर आपके पास गूगल ड्राइव है आप वहां से डाल सकते हो, अगर आपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया वहां से डाल सकते हो, या किसी और अदर वेबसाइट में आपने वीडियो अपलोड किया हुआ वहां से लिंक यहाँ पे डाल सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आप दे सकते हो थोड़ा बहुत। अगर ऑफलाइन करना है तो ये आपके सिस्टम से डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा, और ये कम से कम मेरे को लगता है 400-500 MB तक का वीडियो अपलोड इसमें हो जाता है आसानी से। मेरे कुछ वीडियोज 300 MB से ऊपर है वो भी अपलोड इसमें हो रखी है।
ऑफलाइन वीडियो जिसको दिक्कत आती है ऑफलाइन वीडियो अपलोड करने में और उसको लगता है उसका डाटा काफी खर्च हो रहा है, तो वो ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन वो दे सकता है, फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिक जब वो ऑफलाइन से करेगा उसको तो यहाँ फाइल उसकी अटैच हो जाएगी। उसके बाद एक चीज और है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, कि आपका कंटेंट सीसी बाय ऐसे मतलब 4.0 वाला होना चाहिए, कोई रिमिक्स ना हो, डिस्ट्रीब्यूट ना हो पब्लिक में, या ऐसा ना हो कि उसमें कोई कॉपीराइट इश्यू, इस तरह का कोई भी कंटेंट ना हो कि आप दूसरे का कंटेंट उठा के यहाँ अपलोड कर दो, वो कॉपीराइट इश्यू हो जाता है। तो इसका आपका स्वयं का बना हुआ कंटेंट होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का लिया हुआ कंटेंट। अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट यहाँ पर डालोगे तो उसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, रिसोर्स लिखना पड़ेगा, हर चीज लिखना पड़ेगा कि आपने वो वीडियो कहाँ से लिया है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं इसके जो अपलोड करते समय आपको इसमें ध्यान देना है। तो ये सारे काम करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा आपके पास कि आपका वीडियो अपलोड हो गया है। जब वो अपलोड हो जाएगा तो वो मैंने फिर बताया गुरुशाला टीम के पास जाएगा रिव्यू के लिए, और वो उसको रिव्यू करेंगे, एक या दो हफ्ते लग जाएंगे रिव्यू में, और पब्लिश हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर मैंने बताया कि जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे जो बेल दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका कंटेंट अप्रूव हो गया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, एक्सप्लोर में जाके चेक करेंगे, आपने जो कंटेंट जो यहाँ पर आया कंटेंट लाइब्रेरी जिस सब्जेक्ट के लिए आपने वीडियो बनाया है, तो वहां पे आपका वीडियो शुरुआत में वो दिखाई देगा कि आपका वीडियो पब्लिश हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे मेरा वीडियो इसमें पब्लिश हो रखा है और कैसे कैसे हम इसमें काम करते हैं। और हर फ्राइडे मैंने कहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप उनके वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, कंटेंट रिव्यू के संबंध ही हर फ्राइडे को वेबिनार होता है 4 से 6 के बीच, जिसमें कंटेंट रिव्यू से संबंधित बातें बताई जाती हैं कि किस किस के कंटेंट अच्छा है, किसका कंटेंट में कुछ कमियां हैं और क्यों पब्लिश नहीं हो पाया, क्यों कैसे पब्लिश करना है, कहाँ कमी रहेगी टूल्स में, सारा चीज बताई जाती है। तो ये था कंटेंट पब्लिश करने का जो मैंने आपको बताया तरीका। इसमें जो क्विज थे मैंने बताया था, क्विज फॉर स्टूडेंट्स, जैसे ये क्विज हैं बहुत सारे अभी लेटेस्ट आए हैं ये, तो जैसे हम पहला क्विज को क्लिक करते हैं जैसे लेटर राइटिंग, तो देखिए यहाँ पे ये गेम में है, ये स्टार्ट हम जैसे ही करते हैं इसको, तो इस प्रकार के छोटे मोटे गेम भी इसमें बने हुए हैं। लेटर कैन बी परपोसलेस, तो क्या ये बात सही है गलत, तो हम इसको प्लेन को चला के देखते हैं इसमें, तो कहीं पे आएगा कुछ इसमें, ये आया ट्रू है, गलत हो गया हमारा आंसर। तो ऐसी इसमें बहुत सारे गेम है छोटे मोटे, तो ऐसी इसमें काफी टाइम लगेगा खेलने में, और खेलते खेलते इसमें स्टूडेंट सीखेंगे इंग्लिश के बारे में, तो इसको मैं अभी काफी समय लग सकता है इसमें मैं, तो हम इसको बैक कर लेते हैं। तो ऐसी ये गेम है, इस तरह कई सारे गेम बने हुए हैं, इनके बारे में गेम है। अच्छा देखिए सर, एक एक कुछ एक लाइव प्रश्न भी आया, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि अभी आप हमें कंटेंट के बारे में बता रहे थे, नीलम बिष्ट जी ने पूछा है कि अगर मान लीजिए उनको कोई पोयम या स्टोरी लिखनी है तो वो उसको कैसे लिखेंगे, कैसे राइट करेंगे। हाँ, उसके लिए आप वर्ड की फाइल में लिखें और उसको फिर पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि वर्ड की फाइल इसमें अपलोड होने में आपको पता ही है कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ठीक प्रकार से रन नहीं हो पाते हैं, दिक्कत आ सकती है, तो आप उसको क्यों ना वर्ड में लिख के पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें,
अदर दूसरे जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे आप उनको कन्वर्ट करके पब्लिश करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे नोट्स, मैंने हिंदी में नोट्स लिखे हैं बहुत सारे, और उनको कुर्ती देव में अगर आप हिंदी जानते हो टाइपिंग वहां पे कर सकते हो, और उसको पीडीएफ फाइल में आप उसको सेव कर सकते हो, वहां पे आपके फॉन्ट भी बदलेंगे नहीं। अगर आप वर्ड की फाइल को अपलोड करोगे तो वहां पे जो कुर्ती देव फॉन्ट है वो काम नहीं करेगा, वहां पे आपको यूनिकोड में लिखना पड़ेगा। चलिए नीलम जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि किस तरीके से आप अपने कंटेंट को वहां पर लिख सकते हैं। एक और प्रश्न पूछा है वाई सीता रमैया जी ने, वो पूछ रहे हैं कि सर क्या गुरुशाला के जो कंटेंट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए लॉगिन करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है लॉगिन करना, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। लॉगिन तब किया जाता है जब आप उस वेबसाइट में कुछ बनाना चाहते हैं, वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तब जरूरी है। ना तो आप अपने मोबाइल ऐप में भी सब कुछ देख सकते हो तो, आजकल तो क्या रीजी है कि मोबाइल का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ना जो मोबाइल सपोर्ट बहुत जरूरी है, जो वेबसाइट मोबाइल सपोर्ट देती है, मोबाइल ऐप्स होता है, तो 90% लोग तो आजकल ऐप से ही काम करते हैं, इतना समय नहीं होता कि घर में जाके कंप्यूटर खोले, लैपटॉप खोले, सारे काम मोबाइल से हो जाते हैं। बिल्कुल सीता रमैया जी, कोई जरूरत नहीं कि आप लॉगिन के लिए एक्सेस करना जरूरी है, एक्सेस के लॉगिन जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मजेदार चीज है इसमें गुरुशाला रिवॉर्ड्स हैं, गुरुशाला रिवॉर्ड्स के बारे में मैं लास्ट में बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक्सप्लोर कर देता हूँ और चीजें। जैसे कोर्स है, मैंने बताया ये सारे कोर्स हैं जिनको हम वन बाय वन कर सकते हैं। कंटेंट लाइब्रेरी जरूरी है, जैसे कंटेंट लाइब्रेरी में मैं बायोलॉजी चुना, तो बायोलॉजी जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बायोलॉजी से संबंधित सारे वीडियोस मेरे को मिल जाएंगे ये। और यहाँ पे फिर मैंने कहा इसमें फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है कि आप किस सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी चीजें देखना चाहते हैं, और क्लास में भी फिल्टर लगा हुआ है, क्लास कौन सी क्लास का आपको कंटेंट देखना है। और ये कंटेंट टीचर्स ने और जो गुरुशाला टीम है उनके पार्टनर्स हैं उन लोगों ने ये अपलोड किए हैं, कुछ टीचर्स में भी किए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, जैसे दूसरा सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी था ये, तो बायोलॉजी का एक वीडियो मैं जैसे दिखा देता हूँ, ये वाला, ये हिंदी में बना होगा, कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में है, और बहुत अच्छे वीडियोज हैं, एनिमेशन के साथ वीडियो हैं, इनको समझना बहुत आसान है बच्चों के लिए। गतिविधियों को पूरा करते समय वे यूरिया और यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का उत्पादन करते हैं। जैसे वे टॉक्सिक होते हैं, उन्हें हमारे शरीर से बाहर भेज जाना चाहिए। रक्त इन कंपाउंड्स को कलेक्ट करता है और इन कंपाउंड्स को फिल्ट्रेशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में ले जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज की एक जोड़ी, दो यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा शामिल है। तो आपने देखा कि हिंदी मीडियम में जानकारी सबसे कम प्राप्त होती है। अगर आप YouTube में भी सर्च करोगे तो बहुत ऐसी चीजें सर्च में आ जाती हैं कि हमें कई सारा वीडियो देखने पड़ते हैं, तब जाके हमें बड़ी मुश्किल से कोई चीज प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप जैसी सर्च करेंगे तो आपको करेक्ट वही चीजें मिल जाएंगी अपने क्लास से संबंधित। अब मैं यहाँ पे आपको और सर्च करके दिखाता हूँ एक और चीज, जैसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित एक वीडियो बनाए थे, ये कंप्यूटर क्लिक किया मैंने कंप्यूटर विषय में, यहाँ पे मैंने फिल्टर यहाँ पे चुना, फिल्टर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कंप्यूटर, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन करूंगा, जैसे मैंने 10th और 9th क्लास कर। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे दो बनाए हुए कंटेंट यहाँ पब्लिश हो रखे हैं, आप देख रहे हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ पहले वाले कंटेंट को, तो ये कंटेंट है, मेरा नाम भी इसमें आ रहा है, और इसको जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे। आज हम पीपीटी के माध्यम से सीखेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जाए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम कैसे शानदार वीडियो का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आता है तो आप तो आपने देखा कि
इसमें मेरा वीडियो भी पब्लिश है, ऐसी हजारों टीचर्स के इसमें वीडियो पब्लिश हैं। अब मैं आपको एक और इसमें दिखा देता हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स जिसे पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो प्रदीप सर, हमारे पास सिर्फ 9 मिनट का 8 मिनट का वक्त अब शेष बचा है। हाँ, मैं अभी इसको फटाफट करा रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे इकोनॉमिक्स चुना और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स 11th और 12th क्लास में ज्यादातर पढ़ाई जाती है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। तो व्हाट इज कोरिलेशन, यहाँ पे वीडियो आ रहा है। तो जैसे कई सारे टीचर्स के वीडियोज हैं ऐसे, यहाँ पे ये मेरा पब्लिश हो रखा है इकोनॉमिक्स की वीडियो। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए अर्थशास्त्र में सांख्यिकी आ रहा है सहसंबंध। इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस, आप सभी का स्वागत है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अंतर सहसंबंध का क्या अर्थात सहसंबंध किसे कहते हैं? तो आपने देखा कि इसमें वीडियो अपलोड करना कोई कठिन काम नहीं है, बस आपका कंटेंट सही होना चाहिए। कंटेंट लेवल आपका अच्छा होगा तो वो आसानी से पब्लिश हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसी प्रकार कंटेंट से रिलेटेड एक प्रश्न भी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे एक व्यूअर हैं स्निग्धा शर्मा, उन्होंने पूछा है कि हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि जो हमारे गौशाला से रिलेटेड जो रिव्यूज हैं और जो कंटेंट हैं वो अप्रूव्ड हुए हैं नहीं, मतलब वो कैसे अप्रूव्ड होते हैं, कैसे हमें मालूम चलेगा? हाँ, ये तो मैंने आपको अभी बताया, बल्कि 2-3 बार बताया है कि आप वेट करना पड़ेगा आपको, पहले 1-2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। तो वेट करने के बाद आपको मैंने बताया था बेल आइकन यहाँ पे बना हुआ है। ओके, बेल आइकन यहाँ पे बना हुआ है, आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका कंटेंट अप्रूव हो गया। अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपना फोन से इसको ज्वाइन कर लेंगे, आप जब इसमें प्रोफाइल में ज्वाइन करेंगे तो आपको अपना ईमेल और फोन नंबर देना पड़ेगा जब आप पहली बार इसको ज्वाइन करेंगे। तो जब आप फोन नंबर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो गुरुशाला टीम है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेगी। तो वहां पर हर फ्राइडे को क्या होता है कि कंटेंट रिव्यू का लिंक शेयर किया जाता है कि आपकी कोई समस्या है कि आपका कंटेंट क्यों नहीं पब्लिश हुआ, क्या समस्या थी, आपका कंटेंट भी वहां पर प्ले करके दिखाया जाएगा अगर आप बोलेंगे उनको। तो फेस टू फेस वहां पर जो भी समस्या होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ जुड़ना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पर गुरुशाला, तब आप उनके साथ वो टेक्निकल सपोर्ट टीम के साथ भी जुड़ पाओगे। स्निग्धा जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। एक और प्रश्न सामने आया है, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को लेकर है, तो इसको मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज कर देता हूँ। विमलजीत मान रहे हैं ये प्रश्न पूछा है, वो बोल रहे हैं कि हाउ कैन वी टेक हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट फॉर क्लास 12th फॉर इंग्लिश। उन्होंने हालांकि इंग्लिश को यहाँ पर रखा हुआ है, अलीन सर एक प्रश्न इसको मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ कि कोई भी एक सब्जेक्ट है गुरुशाला के माध्यम से, क्या हम उस सब्जेक्ट की हेल्प ले सकते हैं, मतलब इस ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि उस सब्जेक्ट में टीचर्स लोगों ने कितने अपने ई कंटेंट डाले हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत कम ई कंटेंट डाले हैं तो आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। लेकिन जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे ई कंटेंट है, प्राइमरी लेवल में तो बहुत सारे हैं, लेकिन हायर क्लास में जाके थोड़ा ई कंटेंट कम हो जाता है 11th 12th क्लास में जाके। तो जैसे मैंने इकोनॉमिक्स है, मेरा पूरा का पूरा कोर्स मैंने इकोनॉमिक्स में ई कंटेंट में डेवलप किया हुआ, तो और उसमें से मेरे 50% मैंने वीडियोज इसमें अपलोड किए हुए, तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है। इकोनॉमिक्स में हर पार्ट का एक ई कंटेंट है, लेकिन और भी सब्जेक्ट को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है कि उनमें कितना ई कंटेंट डला हुआ है, कितना नहीं डला हुआ है। अगर आप प्रयास कर सकते हैं, आपके पास ई कंटेंट बहुत सारा है तो आप अपलोड कर सकते हैं उसमें, और बच्चों को लिंक शेयर कर सकते हैं, दूसरे स्कूल के बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरा कंटेंट वहाँ अपलोड है, आप वहाँ से एक्सेस करिए।
और ये चीज भी समझ में है कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज भी इस वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। लगभग जी जी क्लास वाइज हमारे पास 4 मिनट का समय और भी बाकी है। सर एक चीज हमें ये भी बताएं कि आप शुरुआत में जब हम सेशन की तरफ थे तो आपने छात्रवृत्ति का जिक्र किया था कि ये स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये जो वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन के जो आप बात कर रहे हो वो छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप है वो किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है? ये छात्रवृत्ति ऑनलाइन होती है और ये मैंने आपको शुरू में बताया था वो लर्निंग विद वोडाफोन फाउंडेशन के नाम से ये पब्लिश होती है और यहीं पे लिंक आता है उसका। यहाँ पे जैसे विन प्राइज है, जैसे अभी आपको पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये छूट रहा था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विन प्राइज। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे विन प्राइज को, यहीं पे पब्लिश होती है उनकी वो स्कॉलरशिप और वो यहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वोडाफोन फाउंडेशन के टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं और साल में एक बार ही वो आती है और इस बार मार्च और अप्रैल के महीने में वो आ चुकी है, उसकी लास्ट डेट जा चुकी है, तो अब उसमें काम चल रहा है आगे। ये रिवॉर्ड्स पॉइंट है जो मैंने आपको बताए थे कि मैं जितने ई कंटेंट अपलोड करूंगा, जितने मैं वेबिनार में पार्टिसिपेट करूंगा और वेबिनार आयोजित करूंगा, इसमें एक और सुविधा है कि आप अपना वेबिनार भी आयोजित कर सकते हो, वहां जाके आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो ईमेल के द्वारा, उनकी यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है यहाँ पे आप भेज सकते हो और तो वो आपको वेबिनार आयोजित करने का भी चांस देंगे। जैसे 27 तारीख को मेरा एक वेबिनार इसके माध्यम से होने वाला, अभी इससे पहले भी एक वेबिनार मेरा हो चुका है, तो आप भी कर सकते हैं। और वेबिनार करने और ई कंटेंट और कई सारी चीजें करने से आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, जैसे यहाँ पे मिले मेरे को 12,852 पॉइंट्स मिले, तो आप इससे ये सामग्री खरीद सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पॉइंट दिए हुए इन सामग्री में, जैसे आपको 6,000 पॉइंट्स हो गया, आप ये टीचिंग टू ये मटेरियल खरीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए, TLM के काम आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ले सकते हो आप, एजुकेशन किट ले सकते हो, बहुत सारी चीजें दे रखी है। देखो एजुकेशन से संबंधित है, टेलीस्कोप ले सकते हो बच्चों के लिए और यहाँ पर आप ऊपर जाके जो इसमें कैटेगरी दे रखा है टेक्नोलॉजी स्टेनरी होम किचन बैग्स और यहाँ पे गेम्स भी यहाँ पे बच्चे खरीद सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको रिडीम करने पड़ेंगे अपने पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको यहाँ मिले ये खर्च करोगे आप पॉइंट्स, उसके आधार पर आप ये सामग्री भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो वोडाफोन फाउंडेशन से और गुरुशाला जो वेबसाइट है उसके माध्यम से, ये सब रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रखे हैं आप। जी जी समय की बाध्यता है लेकिन आपने काफी सारी चीजें यहाँ पर बता दी। एक और बहुत संजीदा सा एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ करंट सिनेरियो के मद्देनजर, जो कि आप सभी हम जानते हैं कि किस तरीके की वापो की स्थिति में इस समय हम हैं। वर्तमान समय में विभिन्न शहरों में जो लॉकडाउन अभी लगा हुआ है उसके कारण सारे स्कूल कॉलेजेस विद्यालय सब बंद हैं, तो ये जो वेबसाइट है वो विद्यार्थियों के उन्नयन के लिए किस प्रकार सहायक है, किस तरीके से उपयोगी है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस वेबसाइट में बच्चे डायरेक्ट इससे जुड़ सकते हैं और जरूरी नहीं लॉग इन आईडी करें, अगर लॉग इन आईडी करेंगे तो फिर वो और भी काम उसमें पार्टिसिपेट तभी कर पाएंगे किसी कंपटीशन में जब वो उस पर आईडी बनाएंगे अपने। और इंटरेस्टिंग इसमें गेम्स के माध्यम से क्विज के माध्यम से वो इसमें नॉलेज को गेन कर सकते हैं, पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं। मैंने इसमें कई नोट्स डाले हैं अर्थशास्त्र के जो बच्चे देखते हैं, मेरे को फोन भी आते हैं उनके, सर आपका हमने गुरुशाला में नोट्स देखा था वो उसमें हमें थोड़ी मदद कर दीजिए, मैंने कहा कर देंगे, अगर वहां से आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो मैं व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। तो कई सारी ऐसी चीजें जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, टीचर्स के लिए बहुत अच्छी, टीचर बच्चों को समझते हुए अपनी सुविधा के अनुसार अपने बच्चों का लेवल के अनुसार इसमें ही कंटेंट बना के डालते हैं, ये नहीं कि हाई फाई कंटेंट डाल दे बच्चों के समझ में नहीं आया जो। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि सरकारी टीचर्स सबसे ज्यादा जो स्कॉलरशिप दी गई है इसमें वो सरकारी टीचर्स के लिए ही है और ये वेबसाइट जो CSR बोलते हैं जो वोडाफोन फाउंडेशन ने बनाई है, ये अधिकतर टीचर्स तो कोई भी एक्सेस कर ले, कोई भी यूज कर ले, लेकिन जो स्कॉलरशिप होती है उसमें प्रेफरेंस सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए होती है, क्योंकि आर्थिक रूप से वो थोड़े कमजोर होते हैं और बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे थोड़ा और पढ़ने में होशियार होते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो विकलांग हो या जिनके पास आर्थिक नीड की कमी हो,
ऐसे बच्चों के लिए ये वेबसाइट बहुत उपयोगी है कि उसमें टीचर्स के माध्यम से वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप बहुत बच्चों को मिलती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ब्लॉक है हरिद्वार में बादराबाद ब्लॉक, वहां पर 140 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली पिछले साल। क्या कमाल की बात है, 140 बच्चों ने इसको स्कॉलरशिप के रूप में लिया है। टीचर्स के लिए भी अवेलेबल है, तो आई थिंक हम सबको इसके लिए प्रयास करना होगा। और नेगी सर, मैं भी आपसे जरूर इस पर परामर्श चाहूंगा कि किस तरीके से स्कॉलरशिप ली जाए। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कैसे गुरुशाला को हम अपने ज्ञान के पिटारे में, नॉलेज में और भी उसको आगे की तरफ लेकर जाएं। बहुत ही कमाल का ये सेशन था, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हमें सूचनाएं मिली इस गुरुशाला ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। और ट्रैफिक जो यूट्यूब पर हमें देखने के भी वो अपने आप में बहुत लाजवाब था, उन्होंने भी अपने प्रश्न शंकाएं आपके सामने रखा। काफी प्रश्न पूछे आपने, आई थिंक यस, गुरुशाला इस सेशन का नाम ही था, तो आई थिंक काफी सारी चीजें अपने आप ही यहाँ से निपट गई। खैर, गुरुशाला को आप जितना हो सके उसको सीखने की कोशिश करें, ऑनलाइन जो वेबिनार होते हैं उनसे भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। कैसे आपने जाना कि हम अपने कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, कैसे इसमें क्विज हो सकते हैं, काफी सारी ऐसी बातें थी जो इस वेबसाइट में काफी दिलचस्प थी, काफी नई थी, काफी नायाब भी थी। मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे थे इस प्रोग्राम को, उनको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। और जिनमें जिन्होंने इस सेशन को मिस कर दिया है वो निराश ना हो, NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका लिंक जरूर होगा, आप जाकर इस प्रोग्राम को पुनः देख सकते हैं। उसके लिए आपको NCERT ऑफिशियल का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि ये जो ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल है NCERT की जानिब से आप तक लगातार पहुंचता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें घर बैठे। ये पहली और आवश्यक शर्त बन जाती है फिलहाल फ्रेंड सिनेरियो को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफी कठिन समय में हमारे दर्शकों को समय दिया, आपके अमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। और जितने भी लोग इस समय हमसे जुड़े हुए थे उन्हें जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेटिट्यूड जैसी एक मानवीय गुण आपके अंदर है और उसको प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या उसके पीछे रीजंस हैं, क्यों करना चाहिए, इन सबको जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ सहयोग में, जो नेक्स्ट सेशन है इसी पर आधारित है, तो बने रहिए मेरे साथ। धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा आपके साथ सहयोग रहा।